गुड मॉर्निंग क्लास। टुडे वी विल स्टडी जनरल नॉलेज ऑफ क्लास सेकेंड। सो प्लीज टेक आउट योर जीके बुक एंड नाउ ओपन योर बुक। पेज नंबर 1414। टुडे वी विल बी स्टडी चैप्टर 9। योर चैप्टर नेम इज वेरियस प्लांट। मीन्स ये है वेरियस प्लांट का कि मतलब बहुत टाइप्स के, अलग अलग टाइप्स के पौधे। ठीक है, वेरियस मीन्स होता है डिफरेंट, मीन्स अलग अलग, बहुत सारे कई तरीके के प्लांट्स। ठीक है, वेरियस प्लांट्स मीन्स कई तरीके के प्लांट्स। तो जो आपका चैप्टर इसी प्लांट्स पे बेस्ड है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स। या बहुत सारे जो पौधे होते हैं हमारे, जो प्लांट्स होते हैं, वो बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के होते हैं। देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स। जो पौधे होते हैं हमारे, प्लांट्स होते हैं, वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं। मैनी डिफरेंट, इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ठीक है, कई अलग अलग तरीके के हमारे पौधे होते हैं। सम प्लांट्स आर वेरी बिग। कुछ प्लांट्स जो होते हैं बहुत ही बड़े होते हैं। पौधे जो होते हैं वो बहुत ही अलग अलग टाइप्स के होते हैं। ठीक है, मैनी डिफरेंट टाइप्स होते हैं ना, बहुत सारे अलग अलग तरीके के पौधे होते हैं। सम प्लांट्स आर वेरी बिग, उनमें से कुछ प्लांट जो होते हैं वो बहुत ही बड़े होते हैं, वेरी बिग। दीज आर कॉल्ड ट्रीज। जो पौधे बहुत ही बड़े होते हैं, जो प्लांट्स बहुत ही बड़े बड़े होते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, ट्री। ठीक है, सम प्लांट्स आर वेरी बिग, दीज आर कॉल्ड ट्रीज। जो कुछ पौधे जो होते हैं बहुत बड़े होते हैं, और जो हमारे पौधे बहुत बड़े बड़े होते हैं, जो हमारे प्लांट्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, ट्री बोलते हैं, उन्हें ट्री बोला जाता है। सम आर नॉट सो बिग विथ मैनी ब्रांच। कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो बहुत बड़े नहीं होते हैं, उसके अलग अलग कई सारे ब्रांच होते हैं, मीन्स कि उसकी बहुत सारी शाखाएं होती हैं। ठीक है, दीज आर कॉल्ड श्रब्स। उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, उन्हें श्रब्स बोला जाता है। जो बहुत ही बड़े, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, बट उसके अलग अलग कई सारे ब्रांच होते हैं, विथ मैनी ब्रांच होते हैं उसके साथ में, दीज आर कॉल्ड श्रब्स। उन्हें क्या बोला जाता है, श्रब्स बोला जाता है। सम प्लांट्स आर स्मॉल विथ सॉफ्ट स्टीम, सॉरी सॉफ्ट स्टेम्स। जो हमारे कुछ प्लांट्स होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं। ठीक है, कुछ प्लांट्स हमारे बहुत बड़े होते हैं, ठीक है, कुछ प्लांट उससे छोटे होते हैं, और कुछ प्लांट बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, स्मॉल। कुछ प्लांट्स बहुत छोटे होते हैं, सम प्लांट्स आर स्मॉल विथ सॉफ्ट स्टेम्स। बहुत छोटे होते हैं, पर उसकी जो स्टेम्स होते हैं वो बहुत ही, तना जो होती है वो बहुत ही सॉफ्ट होती हैं, बहुत ही मुलायम। जो उसकी तना होती हैं वो बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मुलायम होती हैं। दीज आर कॉल्ड हब्स। उन्हें क्या बोला जाता है, हब्स बोला जाता है। दीज आर कॉल्ड हब्स। तो ये हो गया आपके जो प्लांट्स होते हैं उनके डिफिनेशंस। ठीक है, कि कुछ प्लांट्स जो हमारे, सम प्लांट्स आर वेरी बिग, जो बहुत ही बड़े होते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, ट्री बोलते हैं। पर कुछ प्लांट्स जो, देखिए कुछ प्लांट्स हमारे क्या होते हैं, बहुत ही बड़े होंगे, जैसे ये सबसे बड़ा हो गया, ठीक, फिर ये उससे छोटा हो गया, और कुछ प्लांट्स जो हमारे क्या हैं, वो सबसे छोटे हैं। तो जो ये इतना बड़ा प्लांट्स है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे ट्री, TREE। ठीक है, फिर जो इससे छोटा है, ये हमारे क्या होते हैं, ये वाले ट्री को हम लोग क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड श्रब्स। क्या बोलते हैं हम लोग, श्रब्स बोलते हैं, SHRUBS, श्रब्स। पर ये जो सबसे छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, पर जो इसके सॉफ्ट क्या होते हैं, सॉफ्ट स्टेम्स होते हैं, बहुत जिसके इसके सॉफ्ट सॉफ्ट तना होते हैं, ये हमारे हो जाते हैं हब्स। क्या होते हैं हमारे, ये हब्स। ठीक है,
सबसे बड़े वाले प्लांट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्री। फिर उससे जो थोड़े छोटे होते हैं उसे क्या बोलते हैं, श्रब्स। और जो सबसे छोटे होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, हर्ब्स। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द प्लांट्स एंड राइट टी फॉर ट्री, एस फॉर श्रब्स एंड एच फॉर हर्ब्स। हमें क्या करना है कि आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा हमारा ट्री है, कौन सा हमारा श्रब्स है और कौन सा हमारा हर्ब्स है। तो जो हमारा ट्री होगा उस पर हम लोग टी लिखेंगे, जो हमारा श्रब्स होगा वहाँ पे एस लिखेंगे और जो हमारा हर्ब्स होगा वहाँ पे एच लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं और आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग कि क्या हम कौन सा जो प्लांट्स का पिक्चर दिया है वो हमारा क्या है, ट्री है, श्रब्स है या हर्ब्स है। ठीक है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट हमारा जो प्लांट है वो हमारे क्या है, स्पेनिच है। क्या है, स्पेनिच। ये हमारा है, यदि हमारा जो ये देखिए बहुत छोटा है, इसकी जो इसके जो तना है जो कितने सॉफ्ट सॉफ्ट है, स्टेम्स इसके कितने सॉफ्ट सॉफ्ट है, ये बहुत देखिए छोटा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा हर्ब्स। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, एच, एच फॉर हर्ब्स। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे एच। फिर सेकंड देखिए, सेकंड क्या हमारा, मैंगो। तो मैंगो की ट्री आप लोगों ने देखी होगी कि काफ़ी बड़ी बड़ी होती है, जो मैंगो होता है बहुत बड़ा बड़ा होता है ना मैंगो का प्लांट। तो जब मैंगो का प्लांट बहुत बड़ा बड़ा होता है तो जो सबसे बड़ा होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जो बड़े बड़े हम लोग प्लांट्स को क्या बोलते हैं, ट्री बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, मैंगो क्या हो जाएगा हमारा, ट्री। तो टी फॉर ट्री, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, टी। ये हम लोग लिख कर दिया टी। फिर नेक्स्ट है हमारा हिना या मेहंदी। हिना मीन्स होता है मेहंदी, हिना स्लैश मेहंदी। तो जो हमारी मेहंदी होती है वो हमारी क्या होती है, वो हमारे होते हैं, वो बहुत बड़ा प्लांट नहीं होता है और ना ही बहुत छोटा प्लांट होता है, पर इसकी कई सारे ब्रांच होते हैं, कई सारी इधर उधर उसकी शाखाएं निकली होती हैं, बहुत सारी उसमें शाखाएं निकली होती है ना। तो ये हमारे उसके क्या हो जाएंगे, ये हमारे हो जाएंगे श्रब्स। ये क्या होगा हमारा, श्रब। तो हम लोग क्या लिख देंगे, एस फॉर श्रब। ठीक है, फिर नेक्स्ट फोर्थ है हमारा वीट। वीट मीन्स जो हमारा, आप लोग जो ये आटा खाते हो ना, वीट मीन्स आटा होता है, तो उसके पहले ये ऐसे ही प्लांट्स में होते हैं, फिर इसी से निकलता है वीट मीन्स गेहूं, और फिर उसी को हम लोग गेहूं का आटा बना के खाते हैं, उसको चक्की में पिसवाते हैं फिर खाते हैं। ठीक है, तो जो हमारा वीट है ये हमारा कैसा प्लांट होगा, ये हमारा, ये भी हमारा जो होगा वो हो जाएगा हर्ब्स। क्या हो जाएगा, ये हमारा हर्ब्स। ठीक है, तुम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, H। फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा फिफ्थ है मिंट। मिंट में जानते हैं हम लोग क्या होता है, पुदीना। इस समय तो काफ़ी यूज़, गर्मी में हम लोग काफ़ी यूज़ करते हैं मिंट का, इसको हम लोग कोई ड्रिंक बनाते हैं उसमें भी डालते हैं, चटनी बनाते हैं इसकी चटनी, मिंट की चटनी भी बनाते हैं हम लोग। तो मिंट का समर में बहुत ही यूज़ होता है। ठीक है, तो जो हमारा मिंट होता है ये हमारा होता, ये भी हमारा होता है हर्ब्स, क्योंकि ये देखिए भी बहुत स्मॉल होता है। ठीक है, हर्ब्स काफ़ी स्मॉल होता है और इसके जो तना होते हैं बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, स्टेम्स जो होते हैं इसके बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी एच फॉर हर्ब्स हो जाएगा। ये भी प्लांट छोटा है, फिर इसके जो स्टेम्स हैं वो सॉफ्ट है, तो ये तब भी तो ऐसा सब कुछ है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हर्ब्स ही तो होगा। तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे, एच। ठीक है, फिर नेक्स्ट सिक्स है हमारा कॉटन। सिक्स क्या हमारा, कॉटन। कॉटन जो रुईनी होती है ना उसे बोलते हैं कॉटन। तो सिक्स हमारा कॉटन है, तो ये बहुत बड़ा हमारा ट्री नहीं है और ना ही बहुत छोटा हमारा ट्री है। तो ना जो सबसे बड़ा होता है उसे, जो सबसे बड़ा प्लांट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्री, और जो सबसे छोटा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हर्ब्स। और जो मिडिल हो तब ये ना बहुत बड़ा है और ना ही बहुत छोटा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, श्रब। क्या हो जाएगा, ये हमारा श्रब। तो कॉटन पे हम लोग क्या फिल कर देंगे, एस। फिर नेक्स्ट हमारा है तुलसी या बेजिल। तुलसी स्लैश बेजिल, इसे तुलसी को ही बेजिल बोलते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा, आपने तुलसी का प्लांट देखा ही होगा, तुलसी का प्लांट क्या बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा नहीं होता है, ना ही थोड़ा, ना ही प्लांट जो बहुत बड़े ट्री होते हैं उससे थोड़ा सा छोटा होता है, ये हमारा क्या होता है, बहुत छोटा होता है तुलसी। ठीक है, इसमें भी इसकी क्या होते हैं, जो इसके बहुत सारे स्टेम्स होते हैं और वो स्टेम्स क्या होते हैं,
ये बहुत ही स्मॉल होता है और इसके स्टेम्स क्या होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जब ऐसे जो भी प्लांट होता है वो स्मॉल होता है, उसके स्टेम्स सॉफ्ट होते हैं, तो वो क्या होते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, दीज आर कॉल्ड हर्ब्स। तो हम लोग यहाँ पे क्या फिल करेंगे, एच फॉर हर्ब्स। ये हम लोगों ने फिल कर दिया एच। फिर नेक्स्ट देखिए आपका क्या है, नेक्स्ट ये था आपका यूकोलिप्टस। ये देखिए काफ़ी बड़ा प्लांट होता है, ये बहुत बड़ा प्लांट दिख रहा है ना आपको पिक्चर में, ये बहुत ही हमारा बड़ा प्लांट है, वेरी बिग प्लांट है। तो जो वेरी बिग प्लांट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड ट्रीज। तो यूकेलिप्टस जो हमारा है ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्री। तो चलिए यहाँ पे क्या फिल कर देंगे, टी फॉर ट्री। फिर नेक्स्ट है आपका बनियान, नाइन नंबर, नेक्स्ट नाइन। तो ये भी आप लोग देख रहे होंगे पिक्चर्स में कि काफ़ी बिग प्लांट है ना। तो जब बिग प्लांट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड ट्रीज। तो जो बनियान है आपका ये काफ़ी बड़ा बिग प्लांट है, ठीक है, वेरी बिग प्लांट है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, टी फॉर ट्री, क्योंकि जब हमारा बिग प्लांट होता है तो उसे हम लोग दीज आर कॉल्ड ट्रीज, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रीज। तो ये हम क्या फिल कर देंगे, टी फॉर ट्री। फिर नेक्स्ट हमारा टेन है आपका, नेक्स्ट टेन है आपका कोरिएंडर। जो कोरिएंडर आपका है ये आपका ना ही बहुत ही ये बिग प्लांट नहीं है, वेरी बिग प्लांट नहीं है ना, और ना ही ये उससे थोड़ा सा छोटा प्लांट है, ये वेरी बिग प्लांट तो है नहीं। बिग प्लांट नहीं है ये कोरिएंडर, और ना ही ये उससे थोड़ा सा छोटा प्लांट है, ना ही ये नॉट सो बिग है। ये आपका क्या है, ये बहुत नहीं, ये स्मॉल प्लांट है, और इसमें क्या है, बहुत सारे क्या है, बहुत स्मॉल ट्री, सॉरी ट्री तो है नहीं, बहुत स्मॉल प्लांट है ये, और इसमें क्या है, स्टेम्स, बहुत इसके सॉफ्ट सॉफ्ट स्टेम्स है, देखिए कितने सारे स्टेम्स दिए हुए हैं, है ना स्टेम्स। तो इसके स्टेम्स होते बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, तो जब हमारे प्लांट्स बहुत ही छोटे होते हैं और उसमें जो इसके स्टेम्स होते हैं बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड हर्ब्स। तो ये क्या हो जाएगा, कोरिएंडर आपका हर्ब्स, क्योंकि ये स्मॉल प्लांट है और इसके स्टेम्स सॉफ्ट है, तो ये हमारा हो जाएगा एच फॉर हर्ब्स। कोरिएंडर वाले में, टेन वाले में आप लोग फिल कीजिए एच फॉर हर्ब्स। फिर नेक्स्ट आपका इलेवन है नीम। तो नीम का प्लांट्स आप लोगों ने देखा होगा कि क्या होता है, ये कैसा होता है, ये आर वेरी बिग प्लांट। नीम का जो प्लांट होता है बहुत ही बिग प्लांट होता है, तो जब बिग प्लांट होगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड ट्रीज। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या फिल करेंगे, टी फॉर ट्री। तो आपका नीम हो गया ट्री। फिर नेक्स्ट आपका रोज। जो रोज है आपका, तो ये क्या होता है, ये सो बिग प्लांट तो होता नहीं है, ये सो बिग प्लांट है नहीं, ये बहुत ही झाड़ियों टाइप का होता है, इसके बहुत सारे ब्रांच होते हैं, कई सारे इधर उधर इसकी शाखाएं निकली होती हैं, तो जो बहुत सारे इसके ब्रांच होते हैं और ये ना ही सो बिग प्लांट है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, दीज आर कॉल्ड सब। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, रोज हो जाएगा सब्स। तो हम लोग क्या फिल करेंगे, एस फॉर सब्स। तो ये आपका चैप्टर नाइन, वेरियस प्लांट्स देखा आप लोगों ने, कि बहुत सारे डिफरेंट अलग अलग कई तरीके के प्लांट्स आप लोगों ने देखे, वेरियस प्लांट्स देखने को मिले ना, प्लांट्स के वेरियस आपको अलग अलग टाइप के प्लांट्स, कुछ प्लांट्स जो थे बहुत ही बिग थे, कुछ प्लांट जो थे कि नॉट सो बिग प्लांट थे, और कुछ प्लांट्स थे जो बहुत स्मॉल थे, ठीक है। तो जो सबसे बड़े प्लांट्स होते हैं हमारे, सम प्लांट्स आर बिग, वेरी बिग, तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, ट्री बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड ट्रीज। और सम आर नॉट सो बिग, जो बहुत बड़े नहीं होते हैं पर मैनी ब्रांचेस होते हैं, उसकी बहुत सारी शाखाएं होती हैं, इधर उधर उसकी बहुत सारी निकली होती हैं शाखाएं, तो वो हमारे क्या होते हैं, दीज आर कॉल्ड श्रब्स। सम प्लांट्स आर स्मॉल, सम प्लांट्स क्या होते हैं, बहुत स्मॉल होते हैं, विद सॉफ्ट स्टेम्स के साथ होते हैं उसकी, तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड हर्ब्स। तो होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा श्रब्स,
हर्ब्स एंड ट्रीज में कि किसे श्रब्स बोलेंगे, कि कौन सा ट्री हमारा श्रब्स होगा, कौन सा प्लांट्स हमारा श्रब्स होगा, कौन सा प्लांट्स हमारा ट्री होगा, कौन सा प्लांट्स आपका हर्ब्स होगा। आपका डेफिनेशन था ही ये कि जो प्लांट आपके वेरी बिग प्लांट्स होंगे, सम प्लांट्स आर वेरी बिग, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, ट्रीज हो जाएंगे। सम आर नॉट सो बिग विथ मैनी ब्रांचेज, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, श्रब्स हो जाएंगे। सम प्लांट्स आर स्मॉल विथ सॉफ्ट स्टेम्स, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, हर्ब्स हो जाएंगे। तो होप कि आप लोग को क्लियर हो गया होगा श्रब्स हर्ब्स एंड ट्रीज में, और आप लोग के चैप्टर में कोई डाउट नहीं होगा। तो आज का चैप्टर हम लोग चैप्टर 9 वेरियस प्लांट्स यहीं पे फिनिश करते हैं, और आज का क्लास भी यहीं पे इसी के साथ ओवर होता है आपका। थैंक यू सो मच।